गाइस आज के इस वीडियो पर तुम लोगों को 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा सेटिंग्स बताऊंगा। और ये जो 10 सेटिंग्स है ये सभी सीक्रेट सेटिंग्स है जिसके बारे में अधिकतर बंदों को नहीं पता। सच बोलूं तो इन सेटिंग्स को करने से ना सिर्फ तुम्हारे हेडशॉट्स ज्यादा लगे बल्कि साथ ही साथ इसको करने से तुम्हारे गेम पर हाई पिंग प्रॉब्लम, तुम्हारे मोबाइल का बहुत ही ज्यादा लैग करना और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। इस वीडियो पर तुम लोग ये जानोगे कि इस सेटिंग्स को कैसे ऑन करते और इन सेटिंग्स को ऑन करने पर हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, ठीक है, क्या ये सेटिंग्स हमारे डिवाइस के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है या फिर ये एकदम सेफ है। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। देखो इस वीडियो पर जितने भी सेटिंग्स बताऊंगा अधिकतर सेटिंग्स हमें डेवलपर ऑप्शन पर ही देखने को मिले। देखो सिंपली तुम लोग अपने सर्च टैब पर जाना एंड यहाँ पर तुम लोग सर्च करना डेवलपर ऑप्शन। अगर नहीं मिलता देन इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेटिंग के सबसे लास्ट पर आना, यहाँ तुम्हें मिलेगा अबाउट फोन, अबाउट फोन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर तुम्हें मिलेगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सिंपली इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर तुम्हें मिलेगा बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर पर तुम्हें एक दो बार नहीं लगभग 8 बार क्लिक करना है। देन इसके बाद तुम्हें अपने मोबाइल का पासवर्ड को एंटर करना। देन इसके बाद तुम्हें सबसे लास्ट पर मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। क्या आप भी फ्री फायर ना होने की वजह से परेशान हो, तो आओ एक मस्त सी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी भारी भरकम ऐप डाउनलोड नहीं करना है। सिंपल गूगल पर सर्च करो www.skillclass.com। साइन अप करते समय नोटिफिकेशन को अनेबल कर देना लेटेस्ट ऑफर्स और टूर्नामेंट्स की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। यहाँ पर आप कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और फ्री फायर में टॉप अप करने के लिए ये वेबसाइट बेस्ट है क्योंकि आप जीते हुए पैसे फटाफट ट्रांसफर कर सकते हो UPI और Amazon पे से, यहाँ तक कि अपने बी एप या जी एप का रिचार्ज भी करा सकते हो। सबसे यूनिक बात तो ये है कि यहाँ पर हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं। अभी स्किल क्लास पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स। तो दोस्तों वेट किसका कर रहे हो, तुरंत स्किल क्लास पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट्स खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे प्राइजेस भी जीतने का मौका पाओ, है ना कमाल की बात। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। एनीवेज गाइस सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग नंबर 1। सबसे पहले तुम्हें अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाना है। डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर नीचे पर मिलता है रनिंग सर्विसेज। जैसे तुम लोग रनिंग सर्विसेज पर क्लिक करते हो यहाँ पर तुम्हारे मोबाइल की जितनी भी एप्स है वो सभी शो होने लगती है। तुम्हारा डिवाइस यहाँ पर ये शो करता है कि जितने भी एप्स है वो तुम्हारे स्टोरेज का कितना हिस्सा लेकर रखा है। यहाँ पर जब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जितने भी एप्स है वो क्या करता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे वो एप हमारे स्टोरेज का और भी ज्यादा बड़ा हिस्सा लेने लगता है। जो कि तुम लोग यहाँ देख पा रहे हो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वो एप हमारे स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर रहा है। अब इतने सारे में से जिस भी ऐप का तुम लोग यूज नहीं करते सिंपली उस ऐप को क्लिक करना है। देन यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे 2 ऑप्शन, सिंपली तुम्हें क्या करना है, स्टॉप बटन पर क्लिक करना है। अच्छा एटीट्यूड भाई, इस ऑप्शन को अनेबल करने से हमारे डिवाइस को क्या फायदा होगा? गुड क्वेश्चन। देखो इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि जितने भी फालतू के एप्स है जो हमारे स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो ऐप नेक्स्ट टाइम से कोई भी स्टोरेज का हिस्सा कंज्यूम नहीं करेगा, जिससे तुम्हारे मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज खाली रहेगा। सिंपली तुम्हें अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाना है। देन तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर तुम्हें मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज। इस डोंट कीप एक्टिविटीज को सिंपली तुम्हें अनेबल कर देना। अब जैसा कि तुम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो इसी सेटिंग के नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सून एज द यूजर लीव्स इट। मारो मुझे मारो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम लोग जो भी एक्टिविटी करते हो अपने मोबाइल पर, यानी कि मान लो तुम लोगों ने कोई भी ऐप का ही यूज किया, मान लो तुम लोगों ने यूट्यूब का ही यूज किया या फिर तुम लोगों ने कोई वेबसाइट को विजिट किया या फिर हो सकता है तुम लोगों ने फ्री फायर गेम को ही खेला, तो ये सेटिंग क्या करेगा, जैसे ही तुम लोग इसका यूज करना बंद करोगे ये जितना जल्दी हो सकता है इस ऐप को बैकग्राउंड से भी क्लोज कर देगा। तो डेवलपर ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर जैसे तुम लोग नीचे स्क्रॉल करते हो थोड़ा सा नीचे आने के बाद तुम्हें एक सेटिंग मिलता है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो या हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स मिले। हार्डवेयर का मतलब तुम लोग तो समझ ही चुके होगे, अगर नहीं समझे तो फिर समझो। अगर सिंपल वर्ड में बोलो तो हार्डवेयर हमारे मोबाइल के परफॉर्मेंस और हमारे मोबाइल पर चल रहे कोई भी गेम हो या फ्री फायर, पबजी या कोई भी गेम, उसके ग्राफिक्स को इंक्रीज करता है। तो इसी हार्डवेयर वाले सेक्शन पर तुम्हें एक सेटिंग मिलता है डिसेबल HW ओवरले। इसके नीचे पर तुम लोग पढ़ सकते हो ऑलवेज Use GPU for screen compositing. इसका मतलब ये जो सेटिंग है ये क्या करता है कि तुम्हारे मोबाइल के हार्डवेयर को फोर्स करता है और भी ज्यादा परफॉर्मेंस देने के, मतलब कि कोई भी तुम लोग गेम खेलते हो उस पर कम ग्राफिक्स होते हैं, अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है तो और भी कम ग्राफिक्स होता है, या फिर गेम खेलते समय तुम्हारा मोबाइल सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, तो फिर तुम लोग इस सेटिंग का यूज कर सकते हो अपने मोबाइल के ग्राफिक्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए और अच्छे से गेम प्ले करने के लिए।
सेटिंग नंबर 4 हार्डवेयर वाले सेक्शन पर तुम्हें और एक सेटिंग मिलता है जिसका नाम है फोर्स 4X MSA। ये सेटिंग भी तुम्हारे मोबाइल के GPU एंड हार्डवेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको तुम लोग क्या करना, अनेबल कर देना। और ये चीज तुम लोगों ने पागल M10 के वीडियोस पर भी देखा होगा जब उसने अपने सेटिंग को रिवील किया। मैंने दो हार्डवेयर की सेटिंग्स बताई, दोनों तुम्हारे मोबाइल की कैपेबिलिटी से भी ज्यादा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। अब इतनी अच्छी सेटिंग्स है तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें डिसएडवांटेज भी देखने को मिले। ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी पहले से थोड़ा सा ज्यादा डाउन होगा। सो अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 5, 6 और 7। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक साथ तुम्हें तीन सेटिंग्स को बताऊं। तुम लोग जैसे अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करो, देन तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए तुम्हें यहाँ पर तीन ऑप्शंस एक साथ मिलेंगे। पहला है विंडो एनिमेशन स्केल, दूसरा है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड तीसरा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये तुम्हारे मोबाइल के एनिमेशन से रिलेटेड सेटिंग। सिंपली तुम्हें विंडो एनिमेशन स्केल पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर तुम लोग दो चीज कर सकते हो, या तो तुम लोग सिंपली ऑफ कर दो या फिर 0.5x पर रख। देन सेम चीज तुम्हें ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल पर भी करना है एंड यही सेम चीज तुम्हें एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल पर भी करना है। डेवलपर ऑप्शन पर ही तुम्हें ग्राफिक्स रिलेटेड सेटिंग्स मिलते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर तुम्हें मिलता है ग्राफिक्स ड्राइवर नाम का एक सेटिंग। सिंपली तुम्हें इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर तुम्हें जितने भी मोबाइल पर एप्स है या फिर गेम्स है वो सभी आ जाएंगे। देन इसके बाद तुम लोग जो भी गेम हो, या तो फ्री फायर हो, पबजी हो, फ्री फायर मैक्स हो, उसको सिंपली तुम्हें क्लिक करना। क्लिक करने पर तुम्हें ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो डिफॉल्ट जो कि पहले से होते हैं और दूसरा सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर। तो सिंपली तुम्हें नीचे वाले पर क्लिक करना है। सेटिंग नंबर 9, इसको जानने से पहले अगर तुम लोग प्रो प्लेयर हो तो इस वीडियो को लाइक करो, लेकिन अगर तुम लोग राइस्टार के जैसा लेजेंड हो या फिर लेजेंड बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो डेवलपर ऑप्शन पर जाने के बाद जैसे तुम लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हें मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। सिंपली सेटिंग से तुम लोग ऐसा सेट कर सकते हो कि तुम लोग बैकग्राउंड पर कितने एप्स को वर्क कराना चाहते हो या फिर एक भी ऐप को वर्क नहीं कराना। तो इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एटमोस्ट 2 प्रोसेस को क्लिक करना है ताकि बैकग्राउंड पर जब तुम लोग गेम खेलो वो तो चलेगा ही, साथ ही अगर किसी का मैसेज आ जाता है तो तुम लोग उसका रिप्लाई कर सकते हो बिना गेम के कटे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह है तुम्हारे गेम का इंटरनल सेटिंग। जब सिंपली तुम लोग अपने गेम के सेटिंग पर आने के बाद अपने ग्राफिक सेटिंग पर क्लिक करो। अगर तुम्हारे मोबाइल पर अल्ट्रा ग्राफिक्स सपोर्ट करता है वो भी बिना मोबाइल की लैग किए, लेकिन फिर भी तुम लोग अपने अल्ट्रा ग्राफिक्स पर नहीं खेलना, सिंपली तुम्हें स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलना, क्योंकि अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेलने पर तुम्हारा गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब होता है जो कि फ्री फायर खुद लिख देते हैं। एंड इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके पास आईफोन होते हुए भी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी तुम्हें पसंद आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैंने अपने दोस्त के साथ रमी खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ जल्दी से साइन अप करो। और हाँ, याद से नोटिफिकेशन को अनेबल कर देना।